ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बने कोवैक्सीन टीके को दी मान्यता। अब कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीय यात्री ऑस्ट्रेलिया की कर सकते हैं यात्रा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव की शुरुआत की। कहा, सरकार गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कर रही है पूरी कोशिश। 1 से 3 नवंबर के बीच गंगा उत्सव का आयोजन पूरे देश के 150 जिलों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मनाया जा रहा है उत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी न्यूज, मैं हूं ऋतु वर्मा। पीएम मोदी ने ग्लासगो में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। COP26 शिखर सम्मेलन में 30,000 से अधिक प्रतिनिधि और 100 से अधिक देशों के नेता जलवायु कार्रवाई और वैश्विक चेतावनी पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसका मकसद पेरिस समझौते को लागू करना और सभी देशों को अपने आने वाले दशकों में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 विभिन्न सरकारों के प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी COP26 के अलावा ब्रिटेन के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। COP26 शिखर सम्मेलन में भारत विश्व के अन्य नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों पर चर्चा करेगा। ग्लासगो बहुप्रत्याशित COP26 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन में 30,000 से अधिक प्रतिनिधि और 100 से अधिक देशों के नेता जलवायु कार्रवाई और वैश्विक चेतावनी पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इसका मकसद पेरिस समझौते को लागू करना और सभी देशों को अपने आने वाले दशकों में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। विकसित और विकासशील देशों में दो बहुत अहम मुद्दे हैं जिनको लेके बातचीत होगी। COP26 का जो मुख्य विषय है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने रूल बुक तय करी थी उसके नियमों का निर्धारण हो। उसके नियमों के निर्धारण के लिए विषय ये है कि दुनिया में इसके लिए उपचारात्मक उपाय क्या किए जाएं, और अगर इसके लिए उपचारात्मक उपाय करने हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि 2009 में दुनिया के विकसित देशों ने जो 100 बिलियन डॉलर का जो वादा किया था उसको पूरा करना। COP26 सम्मेलन में न्यायपूर्ण, समान और त्वरित जलवायु वित्त पोषण भारत का प्रमुख एजेंडा है। विकसित देशों को जिस तरह से अपने इमिशन के जो गोल थे वो उनको पाने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदनी थी, वो उन्होंने नहीं खरीदी, ना तो उन्होंने कार्बन क्रेडिट खरीदी और इस वजह से अपने वो कार्बन के इमिशन के जो उनके गोल थे उसको वो प्राप्त नहीं कर सके। जरूरत पड़ने पर कार्बन क्रेडिट दूसरे कंट्रीज से कम विकसित देशों से खरीदें। सबसे पहले है क्लाइमेट फाइनेंस और दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। भारत लाइक माइंडेड ग्रुप्स की अगुवाई करेगा और इन दो मुद्दों पे जरूर अपनी बात रखेगा। जलवायु परिवर्तन का समाधान न केवल विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करना है, बल्कि इन देशों को उत्सर्जन के लिए अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने और विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील लोगों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। सभी विकसित देश के साथ के अगेंस्ट में विकासशील देश सभी एक साथ में हैं। हमको अगर नेट जीरो पाना है 2050 तक तो ये ग्लोबली मतलब सभी ग्लोबली नेट जीरो हो जाए, ऐसा करने के लिए हम मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन इसमें जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं।
2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवायु परिवर्तन पर विमर्श में बदलाव के लिए जोर रहा है। जलवायु कार्रवाई, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त को साथ साथ लेकर चलना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से विकसित देश आगे बढ़ते हैं और अपने वायदों को पूरा करते हैं। कैमरा पर्सन वरविन जौहर के साथ मैतापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्लासगो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में डेंगू की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि संवेदनशील स्थानों की पहचान, दवाओं का छिड़काव और समय से उपचार जैसे कार्य किए जा रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार डेंगू प्रभावित राज्यों में विशेषज्ञों का दल भेज रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,718 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.20% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 158,817 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.17% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.42% हो गई है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 106,31,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कल 12,77,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में आ रही गिरावट के बाद आज से पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के निजी और सरकारी स्कूल खुल गए हैं। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। अभिभावकों को स्कूल की ओर से भेजे गए गूगल फॉर्म पर सहमति देनी होगी। पिछले हफ्ते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 1 नवंबर से सभी निजी और सरकारी स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी किया गया था। डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कक्षाओं में सिर्फ 50% छात्रों को ही बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग, अलग अलग लंच ब्रेक, बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था और नियमित अतिथि आगमन से बचने के दिशा निर्देश हैं। डीडीएमए के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी को स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। इससे पहले सितंबर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे। तमिलनाडु में भी आज से पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के स्कूलों को खोला जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। इससे पहले 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक के स्कूल खोले गए थे। राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने खुशी जताई है। केरल में भी आज से स्कूल खुल रहे हैं। पहली से सातवीं कक्षा और 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए आज से स्कूल खोले गए। बाकी कक्षाओं के लिए 15 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों को शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा स्कूलों का सुरक्षित तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। वहीं वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को ही स्कूल आने की इजाजत है। अभिभावकों को भी स्कूल के प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रविवार को चकेरी क्षेत्र में 6 और जीका वायरस से संक्रमित रोगी मिले हैं। इन रोगियों में से 4 महिलाएं हैं। अब तक मिले 10 संक्रमितों में 3 एयरफोर्स कर्मी और 7 सिविलियन हैं। एयरफोर्स कर्मियों के बाद आम लोगों पर जीका के हमले से हड़कंप मच गया है। शहर में अब जीका के कुल 10 रोगी हो गए हैं, जिसके कारण चकेरी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रोगियों के बढ़ने के कारण दिल्ली और लखनऊ में भी बेचैनी बढ़ गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र के संदिग्धों के सैंपल लेकर केजीएमयू लखनऊ और पुणे भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों के भी सैंपल लिए।
अब तक 10 मामले जीका के सामने आए हैं पॉजिटिव, और पहले दिन से ही एहतियाती कदम तो सारे ही उठाए जा रहे हैं, सारी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। 50-60 टीमें बना के जो सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जा रही है, 50 टीमें सैंपलिंग के काम में लगी हुई हैं, 70 से 100 टीमें जो है रोज हाउस टू हाउस सर्वे सर्विलांस का काम कर रही हैं, नगर निगम अपना फॉगिंग करा रहे हैं, साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, सब तरह की निरोधात्मक कार्रवाई कर रही हैं। 3 किलोमीटर का जोन बना के कंटेनमेंट जो उसमें सारी एक्टिविटी सघन रूप से की जा रही है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस वर्ष भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राष्ट्रीय गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर 2021 तक चलने वाले इस कार्यक्रम को कोरोना संकट के चलते वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जन भागीदारी को मजबूत बनाना है। लगातार 4 सालों की तरह इस बार भी हाजिर है गंगा उत्सव। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक होगी गंगा संरक्षण की बात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तराखंड में गंगा पर चलाए जा रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और गंगा उत्सव 2021 की औपचारिक शुरुआत की। अनुराधा पौडवाल ने इस अवसर को अपने सुरों से रोशन किया। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद गंगा उत्सव 2021 नदी उत्सव का रूप ले चुका है, जहां गंगा सहित तमाम नदियों के किनारे गंगा मशाल पहुंचेगी और नदी संरक्षण की अलग जगाएगी। उत्सव के दौरान ही कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल यानी क्लैप्स को लॉन्च किया गया। प्रज्ञा तिवारी की गंगा पर कविता संग्रह, गंगा एटलस और गंगा डॉल्फिन से जुड़ी पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। 1 घंटे के भीतर गंगा पर सर्वाधिक हस्तलिखित भावनाओं को एक मंच पर अपलोड करने का अनोखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंगा से पवित्रता और आस्था का भाव जगता है। देश की आबादी का 40% हिस्सा आजीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। गंगा हमारी संस्कृति की पोषक भी है। गंगा के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। देश में और दुनिया में सभी लोग इस परिवर्तन को स्वीकार करने लगे, लेकिन इस स्वीकार्यता के साथ साथ में इस स्वीकार्यता को निरंतरता प्रदान करने के लिए कि अक्षुण्ण बनी रहे, हमेशा बनी रहे, इसलिए हमारी जिम्मेदारियाँ और अधिक बढ़ जाती हैं। और तब माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन कि हम इसे एक जन गंगा के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में बनाए, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि NMC जी ने पिछले कुछ वर्षों में गंगा को सामान्य मानवी के जीवन के साथ में जोड़ना या सामान्य मानवी को गंगा के साथ जोड़ना, इसमें सफलता प्राप्त की है। आज देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो गंगा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का चिंतन करते हैं और उसे अपने जीवन और व्यवहार में लाने का प्रयास भी करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नदियों को हमने क्या दिया है, इसका आकलन करने का समय आ गया है। कुंभ में गंगा स्वच्छ दिखी, इसकी गुणवत्ता को निरंतर बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आज इस समय में जब पूरी दुनिया में हो रहे सारे जो चेंजेस हैं, जिस तरह से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, कल क्लाइमेट में जो जिस तरह से चेंजेज आ रहे हैं, उसके कारण से जो चुनौतियां बन रही हैं, पूरा विश्व जब उन चुनौतियों को लेकर के व्यथित भी है, चिंतित भी है, भयभीत भी है, तब हम सब लोगों के सामने ये अवसर है कि हम इस बात का आकलन करें कि इन सभ्यताओं के विकास में नदियों ने जो हमको इतनी सदियों तक, सहस्त्राब्दियों तक जो हमको जीवन दिया, लेकिन इन सब वर्षों में, इन सहस्त्र सहस्त्र वर्षों में हमने नदियों को क्या दिया है, इस बात का आकलन करने का अब समय आ गया है। इस बार देश भर में 150 जिलों में गंगा उत्सव को मनाया जाएगा। इस बार यह उत्सव आजादी के 75 साल यानी कि आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आप www.gangautsav.in और नमामि गंगे के सोशल मीडिया के माध्यम से इस उत्सव में हिस्सा ले सकते हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव द्वारा जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करने की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह तालिबानी और विभाजनकारी है। जिन्ना ने देश तोड़ने का काम किया, जबकि सरदार पटेल ने इस देश को जोड़ा। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले
सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रविवार को प्रसार भारती की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ऑल इंडिया रेडियो का प्रतिष्ठित सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान दिया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सेना की भूमिका विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, अनुशासन, अखंडता और निष्ठा के साथ साथ संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रति वफादारी की अवधारणा के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों ने राष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता में योगदान दिया है। डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, स्पिरिट डी कोर आर एसेंशियल वैल्यूज इनकल्केटेड अमंग आवर मेन। अ सोल्जर्स ओथ इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and to the constitutionally elected central government. Ideology of the political parties or their hue and color does not concern the armed forces. Our armed forces, unlike those of some neighboring countries, have stuck to the concept of loyalty to the constitutionally elected government. They have thus contributed to the political stability of the nation and enabled it to develop its unique democratic पॉलिटिकल एम्बियंस। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में छावनियों और सैन्य स्टेशनों के माध्यम से सशस्त्र बलों की तैनाती ने विकास परियोजनाओं के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस इनेबल्ड गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉलो इन द रिमोट एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, बॉर्डर एरियाज ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्रेडिट फॉर इनिशिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन सच एरियाज गोज टू द आर्म फोर्सेस। वेरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मिलिट्री स्टेशन जनरेट्स अ सर्टन अमाउंट ऑफ बिजनेस एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन एंड अराउंड द स्टेशन। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट्स डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेली कम्युनिकेशन could reach out to remote and undeveloped areas. अक्टूबर महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की गई है। जीएसटी शुरू होने के बाद केवल एक बार इसमें अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इस महीने 130,127 करोड़ रुपए का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है। ये पिछले वर्ष की इस अवधि से 24% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह आर्थिक बहाली की प्रवृत्ति के अनुरूप है। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज होने वाले मैच में इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ग्रुप एक में इंग्लैंड की टीम अपने तीनों मुकाबले जीतकर शीर्ष पर काबिज है। वहीं श्रीलंका एक जीत और दो हार के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। इंग्लैंड अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहेगी, जबकि श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए इस मुकाबले में जीत की तलाश करेगी। दोनों टीमों के बीच ये अहम मुकाबला शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद क्या टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं, इसको लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में चर्चा जोरों पर है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे टीम इंडिया अभी भी आईसीसी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से करारी हार का मुंह देखने के बाद वैसे तो टीम इंडिया के लिए टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल का दरवाजा लगभग बंद हो चला है, लेकिन फिर भी उम्मीद की बेहद धुंधली सी किरण अभी भी जिंदा है, जो अपनी जीत पर तो निर्भर है ही साथ ही साथ दूसरी टीम के प्रदर्शन पर भी टिकी है। टीम इंडिया ने दोनों मैच गंवाए हैं और वो ग्रुप दो की अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। ऐसे